नमस्कार साथियों, मेरा नाम एडवोकेट अमित पांडे, हाईकोर्ट उत्तर प्रदेश फैकल्टी एट लॉ। और आज यूपीएसआई को लेकर के बहुत सारी जानकारियां हैं मेरे पास, जो आपको भी जाननी बहुत जरूरी है। कल जो आजाद पार्क में जो हुआ है उसके बारे में बात करेंगे, साथ ही सीनियर एडवोकेट ने क्यों सीधा सीधा मना कर दिया कि केस को लेना नहीं है, इसके बारे में बात करेंगे। और एक जरूरी बात, कल जो हंगामा हुआ उसके बाद से प्रशासन ने जो सीधी साफ शब्दों में चेतावनी दी है बच्चों को, छात्रों को और साथ ही कुछ कोचिंग इंस्टीट्यूट को भी दी है, इसके ऊपर भी बात करेंगे, हर पहलू पर बात करेंगे। और एक जरूरी बात यह भी कि अब यहां से न्याय की दृष्टि से, लॉ की दृष्टि से आप सबको भी जानना जरूरी है कि ये भर्ती किस तरफ बढ़ती हुई दिख रही है, रद्द होने, री एग्जाम होने या फिर कंप्लीट होने की दिशा में जा रही है। इन सब पे विस्तृत चर्चा करेंगे, प्रयास करूंगा कि संक्षिप्त में रखूं और आपको एक सही गाइड दे पाऊं, इसका पूरा प्रयास करूंगा। पर साथियों, इससे पहले मुझे थोड़ा एक मिनट दीजिए, 30 सेकंड दीजिए, 30 सेकंड आप प्लीज थोड़ा सा रुक जाइए मेरे साथियों, मेरे प्यारे साथियों, 30 सेकंड मुझे कुछ लोगों से बात करनी है। तो आप सबसे भी बात करनी है, वो लोग हैं जो 50,000 में से 5 होते हैं, 10 होते हैं और हर वीडियो पे आके उल्टी सीधे बातें करके जाते हैं। कोई बोलता है व्यू के लिए आ गया, कोई बोलता है कुछ। साहब, क्या आपको पता नहीं है YouTube में कितने व्यू आ जाते हैं और उससे कितने पैसे मिल जाते हैं? क्या 10-20 रुपए से मेरे घर का खर्चा चल जाएगा? ये टैबलेट ही लाख रुपए की होगी। तो सर, ये सोच से ना बाहर निकलिए। ये आता इसलिए होना कि आपको नहीं पता है कि विद्यार्थी जीवन की परेशानियां कितनी होती है, हमने फेस की हैं। हम जानते हैं कि जब भर्तियां फंसती हैं कोर्ट में, जब बच्चे तैयारी करते हैं जी जान लगाकर, जब भर्तियां फंसती हैं और जिनको लगता है उनका सिलेक्शन होने वाला है और जब उनको लगता है कि अब ये फंस जाएगा तो क्या बीतती है दिल पे? साहब, खाना खाने का मन नहीं करता है, जीने का मन नहीं करता है, ऐसी परिस्थितियाँ होती हैं। और उसमें कुछ मूर्ख लोग उल्टे सीधे बातें करते रहते हैं, लोगों को डिमोटिवेट करते रहते हैं, ऐसी चीज़ों से लोग डिप्रेस होते हैं। आप मेरे कमेंट सेक्शन को कभी खोल कर देखे हैं, कितने सारे लोग कैसी कैसी चीज़ें बताते हैं। कोई कहता है कि मेरी एज जा रही है, कोई कहता है मेरी शादी हो गई है, नौकरी नहीं मिली तो मैं आत्महत्या कर लूँगी, कोई कहता है जीने का मन नहीं कर रहा है। मैंने सबके लिए कमेंट सेक्शन खोल के रखा है, आप सब में से आप खुद देखिए, बहुत अच्छे अच्छे यूट्यूबर्स ने आप सबकी इन्हीं हरकतों की वजह से अपना कमेंट सेक्शन बंद कर दिया है, क्योंकि आप वहाँ जाएंगे और फालतू बात करेंगे। तो आपको अगर ये फालतू बात ही करनी है तो आपके यहाँ पे कोई आवश्यकता नहीं है। और आप सबको सब बताऊं प्यारे साथियों, ये वो लोग हैं जो लोग, आपको पता है कि सिर्फ 3-4 लोग हैं जो इन लोगों का साथ दे रहे हैं, जैसे राजीव सर हैं, विजय पटेल सर हैं, इन सब का अपना कोचिंग है, अपना लाइफ स्टाइल है। इनको क्या पड़ी है कि आपके लिए सड़कों पर उतरे हैं? आराम से ये चाहते तो अपने अपने ऑफिस में बैठ करके अपना कोचिंग चलाते रहते, क्या जरूरत है कि वो 2016 से आज तक आपका सबके लिए मेहनत करें? आप लोगों ने तो उनके साथ भी गलत किया, कल आप सबकी वजह से प्रशासन ने उनको सुना दिया। आप एसआई बनने वाले, आपको नहीं पता कि लॉ एंड ऑर्डर क्या होता है, और आपको ये नहीं पता कि जब मुख्यमंत्री का दौरा होता है तो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन कैसे मेंटेन की जाती है। आपको पता है साथियों, ये वो लोग हैं प्रदर्शन करने लगे थे बिना परमिशन के, वो भी वहां पे जहां हाई कोर्ट का ऑर्डर है कि आप वहां खड़े नहीं हो सकते, वहां कोई प्रदर्शन नहीं कर सकते। और इन सब की वजह से मुझे तो मतलब उन सर के लेकर के हेड्स ऑफ सर कि आप इन लोगों का साथ दे रहे हैं, इतना सब होने के बाद भी इन लोगों ने तो उनको तक नहीं छोड़ा जो उनके साथ सड़क पर घूम रहे, धूप में चल रहे हैं, इन सबके साथ कदम से कदम मिला के चल रहे, आराम से अपने एसी ऑफिस में बैठ सकते थे वो। और आप लोगों ने क्या किया उनके साथ? अपना प्रदर्शन, अपना घटिया। ये कुछ लोग जो है ना सर, ये हर जगह पे हैं, और आप सब ना, आप सबकी इन्हीं हरकतों की वजह से ना बहुत सारे लोग डिमोटिवेट होते हैं। और मैं चाहता था इन सारी चीज़ों को ना टॉलरेट कर सकता था सर, लेकिन मुझे ज़रूरत नहीं है ये सबको टॉलरेट करने की। मैं वो हर एक आदमी के लिए वो वीडियो बना रहा हूँ, अगर एक आदमी जो परेशान है, डिप्रेस है, जो इस भर्ती को लेकर के कुछ ना कुछ उसके मन में चला है, अगर एक आदमी इसको देखता है ना और उससे उसको कुछ सही जानकारी मिलती है या उसके दिल को थोड़ा सा सुकून मिलता है ना, तो वो मेरे लिए बहुत है। ये 50,000-60,000 हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, एक आदमी का भी भला कर पाऊँ तो वो मेरे लिए बहुत है सर। तो ये सब बकवास चीज़ें अब यहाँ पर आप मत करें, आप ना देखें कोई दिक्कत नहीं है, पर इस तरह की नकारात्मकता अपने पास ना रखें। आपने देखा है किसी यूट्यूबर को कि वो एक दिन में 1,000-1,000 कमेंट्स की रिप्लाई करता हो? आप देखिए जाके हमारे चैनल के हर कमेंट सेक्शन में हम रिप्लाई करने की कोशिश करते हैं जितना टाइम मिलता है, सिर्फ इसलिए कि उन साथियों को थोड़ा सा तो साथ दे पाऊँ। और रही बात नॉलेज की, तो साहब LLB करके, LLM करके PhD कर रहा हूँ और हाई कोर्ट का वकील हूँ, हमसे ज़्यादा नॉलेज है आपको कि बस हम बिना नॉलेज के आ जाते हैं आपको बताने? तो साहब थोड़ा सा आप भी रहिए, वरना कल आपको पता है ना आपको प्रशासन ने क्या कहा था कि आप जो कर रहे हैं एक चार्जशीट लगेगी और जीवन भर के लिए जिंदगी आपकी खराब हो जाएगी। और वो तो DSP काफ़ी अच्छे थे कि उन्होंने आप सबको ऐसे छोड़ दिया वार्निंग देकर के, नहीं तो 2-4-10 लोगों का करियर तो वहीं खत्म कर सकने का पावर रखते थे वो। तो थोड़ा सा अपने में सुधार कीजिए और जो आपके साथ है ना उनके साथ पूरी ईमानदारी से रहिए, चाहे वो पटेल सर हों या फिर राजीव सर हों या कोई भी आप सबके साथ है। चलिए, माफ कीजिएगा साथियों, थोड़ा सा ये लेकिन काफ़ी दिनों से हो रहा था तो मुझे लगा कि एक बार इनको एड्रेस करना ज़रूरी है। चलिए अब आते हैं कल की जो घटनाएं हुई हैं इन सब पे बातें करते हैं। जैसे आपको पता है कि कल बहुत सारे साथी जो हैं प्रोटेस्ट के लिए नहीं गए थे, एक मीटिंग के लिए गए थे, लेकिन उनमें से कुछ उपद्रवी लोग थे जिन्होंने उपद्रव शुरू कर दिया था। लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन थी, CM का दौरा था, आपको पता है कि जैसे ही CM किसी जिले में जाते हैं तो ऑटोमेटिक लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन ऑटोमेटिक लागू हो जाती है, तो वहाँ थोड़ी सी भी गड़बड़ी, जाम, ये सब चीज़ें नहीं चलती हैं।
पर फिर भी लोगों ने किया, जिसकी वजह से प्रशासन आ गया। प्रशासन ने खुली चुनौती दे दी कि ये सब ड्रामा बंद कीजिए, आप लोग अगर आप लोगों को करना है डीएम को ज्ञापन दीजिए या फिर लखनऊ में कीजिए, इलाहाबाद में आपको करने की आवश्यकता नहीं है। तो ये एक चीज़ हो गई। फिर इन लोगों की जो भी मीटिंग थी वो मीटिंग किया। फिर बाद में अशोक खरे सर, जो यहाँ हमारे हाई कोर्ट के बहुत सीनियर वकील हैं और काफ़ी सारे, इसके पीछे एक बिहाइंड द सीन भी है जो मैं आपको बताऊंगा कि क्यों अशोक सर ने केस लेने से साफ मना कर दिया, इसकी भी एक छोटी सी कहानी है, तो वो भी मैं आपको बताऊंगा। और तो अशोक सर ने सीधा सीधा केस को लेने से मना कर दिया, बहुत ही सीनियर एडवोकेट है। पर उनके जो बेटे हैं अभी आजकल वही सारा केस देखते हैं, सिद्धार्थ सर, तो सिद्धार्थ सर से बाकी सब लोग मिले थे, उन्होंने कहा कि ठीक है देखिए 1% भी चांस नहीं है, लेकिन अगर आप सबके पास एविडेंस है तो आप एविडेंस लेकर के आइए, अगर आपके एविडेंस में दम होगा तो केस लड़ने के बारे में सोचा जाएगा। अब आते हैं एविडेंस पे सर। मैं जो बार बार आप सबको बोलता हूँ कंक्लूसिव एविडेंस होना चाहिए, प्रिलिमिनरी होना चाहिए, एडमिसिबल एविडेंस होना चाहिए, इसका मतलब क्या होता है? देखिए जितने भी लोगों के पास एविडेंस के नाम पर है ना, किसी के पास स्क्रीन शॉट है, किसी के पास कुछ है, अब देखिए जैसे VNC के लिए हो रहा है ना वर्चुअल कंप्यूटिंग के लिए, तो उसकी जांच भी हो, उसकी अगर आपके पास है भी तो क्या गारंटी है कि वो यही है? उसके लिए ये इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस होते हैं, इनके लिए फोरेंसिक जाँच होती है कि एक ही टाइम पर दो कंप्यूटर एक ही दो आई पी एड्रेस है, अगर एक ही आई डी लॉगिन एक ही टाइम पर है तो इसकी जाँच करनी पड़ती है सर। आप सिर्फ उसको लेके जाएंगे वो साबित नहीं हो सकती है, उसको झूठा करार दे दिया जाएगा। तो इसीलिए मैं बार बार आप सबसे कह रहा हूँ, जो भी पढ़े लिखे लोग हैं ना उनसे यही कहूँगा जो भी इसमें हुई मैं, कि सर पहले आप जांच की मांग कीजिए, परीक्षा रद्द करने की मांग मत कीजिए, क्योंकि ये होगा नहीं। क्योंकि जब आप जांच की मांग करेंगे और जांच अगर हो जाती है तो जांच में जो तथ्य सामने आएंगे अगर वो सही साबित होते हैं तो अपने आप ही परीक्षा री एग्जाम करा दी जाएगी, अगर 1% 10% से ज़्यादा धांधली दिखती है तो। ठीक है सर, ये होती है प्रक्रिया। तो इसलिए मैं आप सबको कह रहा हूँ जो री एग्जाम कर रहे हैं वो री एग्जाम होना पॉसिबल दिख नहीं रहा है यहाँ से, क्योंकि आपके पास जो एविडेंस है ना उस एविडेंस की कोई वैल्यू नहीं है। कल तो आप सबसे मांगा गया था ना एविडेंस, क्यों नहीं आप सबने सबमिट कर दिया? सबके पास तो है, मैंने बात किया तो मेरे कमेंट सेक्शन में एकदम लिख किया गया, ये है एविडेंस, तो एविडेंस दे देना चाहिए था, आप लोग तो गए थे, काफ़ी सारे साथी गए थे। तो देखिए एविडेंस के नाम पर जो चीज़ें हैं ना उनकी जांच होगी, अगर उनमें तथ्य हैं, जो कि काफ़ी मुश्किल काम है, क्योंकि अब आईपी ट्रेस करना ये आपका काम नहीं है, ये पुलिस का काम, इन्वेस्टिगेशन टीम का काम है, और इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर सरकार दे नहीं रही है, भर्ती बोर्ड कराना नहीं चाहता है। ठीक है, तो आप लोग फिलहाल अगर आप लोग सीधे रास्ते से अगर आप चाहते हैं कि सच में आपको मौका मिले तो इसका सबसे अच्छा तरीका कि पहले आप जाँच की मांग करें, ना कि भर्ती रद्द करने की, क्योंकि एक बार अगर जाँच शुरू होती है तो भर्ती अपने आप रद्द हो जाएगी, अगर कुछ भी गड़बड़ी आती है तो 10% से ज़्यादा आती है नहीं, अगर कुछ ही लोग होंगे 2-4-5 लोग होंगे तो उनको जेल भेजा जाएगा, उनके ऊपर कार्रवाई होगी और बाकी सबकी निष्पक्ष भर्ती होगी। अब आते हैं सर कि अशोक खरे सर के पास ये लोग गए थे, उन्होंने केस लेने से मना कर दिया। केस लेने से मना करने का जो एक मुख्य कारण ये है कि वही जो एविडेंस है वो कंक्लूड नहीं है। मैंने आपको पहले भी वीडियो में बताया था कि कंक्लूसिव एविडेंस जो होने चाहिए वैसा कुछ है नहीं। अब किसी ने नकल किया है तो किसी ने उसकी वीडियोग्राफी की नहीं है, वर्चुअल नेटवर्किंग की जो भी है उसका आईपी एड्रेस का पुख्ता प्रूफ नहीं है। अगर कोई कह रहा है कि उसके 120 नंबर आए हैं तो अब या तो वो जानता है या फिर कोई और, वो तो उसकी कॉपी जब रिजल्ट आएगा। अब देखिए बोर्ड इसमें ये कहेगी कि हमने अभी तक रिजल्ट निकाला नहीं है, अभी तक हमने किसी को पास या फेल बताया नहीं है, अभी हमारी लेवलिंग बाकी है, तो अभी आप कैसे कह सकते हैं कि हम भर्ती में गलत कर रहे हैं या सही कर रहे हैं? हो सकता है कि वो कहें कि हमको पता है कि किसने गड़बड़ किया, हम उसको वैसे ही डिस्क्वालीफाई कर देंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं जिसको लेकर के ये जो केस है वो कोर्ट में थोड़ा सा पेचीदा सा लग रहा है। इससे ये समझ में आता है, आप एक चीज़ समझिए कि जहाँ तक मेरी छोटी सी समझ है लॉ कर लेकर के, तो ये ब्रीफिंग चलती रहेगी और लंबी चलती रहेगी और जांच होगी और फिर रिपोर्ट आएगा। तब तक ये भर्ती जो है भर्ती बोर्ड की भी प्रक्रिया एक तरफ चलती रहेगी और भर्ती बोर्ड अपनी प्रक्रिया पूरी करने के बाद भी कोर्ट में केस चलाता रहेगा, ऐसा जैसा कि मुझे ऐसा यहाँ से लग रहा है। आप सब में से कुछ लोगों का दिल टूट सकता है, कुछ को खुशी हो सकती है, पर जो मुझे लग रहा है वो मैं अपनी बात बता रहा हूँ। अब देखिए जो लोग को लग रहा है ना कि जो री एग्ज़ाम के पक्ष में नहीं है, तो वो इसलिए नहीं है कि उन्होंने नकल किया है और इसलिए नकल करके लाए हैं और दोबारा नहीं ला पाएंगे, ये बात नहीं हो सकती है। इसके पीछे एक और कारण हो सकता है, या जो लोग री एग्ज़ाम के पक्ष में हैं उसमें भी ये गारंटी नहीं कि वो सारे के सारे, जितने भी हो सकता है कुछ लोग हैं ऐसे जिनके साथ गलत हुआ, लेकिन ऐसा नहीं कि सारे के सारे री एग्ज़ाम वाले लोग जो है वो बहुत अच्छे नंबर लाए हैं, उनको दोबारा मौका है सिर्फ इसलिए चाहिए कि धांधली हुई है। हो सकता है कि वो इसलिए चाहते हो कि उनको लग रहा हो कि दोबारा एक मौका मिले, इस बार पेपर अच्छा नहीं अगली बार अच्छा हो जाए। ये दोनों पक्ष हैं और देखिए इस बार जो है ना दो भागों में बटी हुई है, तो ये जब तक आप एकजुट नहीं होंगे ना तब तक इसमें कुछ होने का चांसेस बहुत कम है। तो ये एक चीज़ हो गई। अब देखिए जो लोग री एग्ज़ाम की मांग कर रहे हैं ना, या फिर जो लोग री एग्ज़ाम की मांग नहीं कर रहे हैं, असल में दरअसल जो री एग्ज़ाम की मांग नहीं कर रहे हैं ना वो ये जानते हैं कि री एग्ज़ाम कराना कैसा होता है, कितना टाइम लग जाता है। जो वैकेंसी 2 महीने में 1 महीने में ख़त्म होकर स्टार लग जाएगा कंधों पर, वही वैकेंसी री एग्ज़ाम में जाने के लिए कम से कम 3-4 महीने कोर्ट में लग जाएंगे, फिर एक ऑर्डर आएगा, फिर री एग्ज़ाम का सेटअप बैठाया जाएगा, पेपर बनाया जाएगा, फिर से वो सारा कुछ होता है जो भी आपका है।
तो एक लंबा टाइम लगेगा, फिर पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा। इसलिए हो सकता है कि कुछ साथी जो है वो री एग्जाम के पक्ष में नहीं है, लेकिन मैं साफ कह रहा हूँ कि इन्वेस्टिगेशन बिल्कुल होनी चाहिए। और अगर मुझे ऐसा लगता है कि इन्वेस्टिगेशन की मांग हाईकोर्ट में की जा सकती है और इन तथ्यों के जो भी तथ्य दिख रहे हैं, जो भी साक्ष्य दिख रहे हैं, इन साक्ष्यों के दम पर मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जांच के आदेश मिल सकते हैं, पर भर्ती खारिज होने जैसी एक ही मुझे नहीं लगता है कि इन तथ्यों के, इन एविडेंसेस के आधार पर भर्ती खारिज हो जाएगी। तो भर्ती खारिज होने जैसा अभी कुछ भी दिख नहीं रहा है। जिनकी भी चयन प्रक्रिया में जिनको लग रहा है कि उनका चयन हो सकता है, वो अपनी पूरी तैयारी करें, क्योंकि अभी जो एविडेंस आ रहे हैं ना, वो इतने कंक्लूड नहीं है। हाँ, अगर जांच प्रक्रिया के लिए जाया जाता है, जांच की मांग की जाएगी, दोबारा अगर जांच होता है, इन्वेस्टिगेशन में कुछ निकलता है, तब जाकर के चीज़ें जो हैं वो आपके लिए थोड़ा बहुत आपके हित में हो सकती हैं, कि जांच होने के बाद कुछ पता चले तो फिर री एग्ज़ाम कराया जा सकता है। ठीक है, तो ये बात थी कल के पूरे अपडेट की। अब देखिए, बहुत सारी अफवाहें इस बात को लेकर के आ रही है कि रिजल्ट आ गए हैं, कोई कह रहा है कि आंसर की आ गई है, कोई कह रहा है आज रिजल्ट आएगा, कल रिजल्ट आएगा। देखिए, ऑफिशियल अभी तक भर्ती बोर्ड ने कोई अनाउंसमेंट की नहीं है। हाँ, उम्मीदन एक उम्मीद है कि 28 से 30 के बीच में रिजल्ट को आना चाहिए, आंसर की को आना चाहिए, सेकंड आंसर की को आ जाना चाहिए, तो वो आ जाएगा। और पूरी उम्मीद है कि जनवरी के फर्स्ट वीक में आपकी प्रक्रिया तेज़ी से चालू हो जाएगी भर्ती बोर्ड की। बाकी आप सबके पास अगर एविडेंस है तो देखिए, पटेल सर हैं या राजीव सर हैं, वो लोग अपील भी कर रहे हैं, तो उन सबका आप साथ दीजिए, आप उनको दीजिए और वो आपकी पूरी हेल्प करेंगे। लेकिन उनके साथ विश्वासघात मत कीजिए, आगे उनको खड़ा करके पीछे से आप लोग गलत काम मत कीजिए, क्योंकि आप तो निकल जाएंगे, वो वहाँ रहते हैं, एक प्रतिष्ठित इंसान है, आप सबकी लड़ाई लड़ते आ रहे हैं, 2016 से लेकर के 2018 में लड़े, आप सबको जिताते आए हैं। अगर उनके जैसे महान शिक्षकों के साथ आप लोग ऐसी गलत हरकत करेंगे, उनको आगे करके पीछे से आप लोग गलत काम करेंगे, तो ये आप उनके पीठ में छुरा घोंपने जैसा कर रहे हैं, तो आप प्लीज़ ऐसा तो ना करें। बाकी कोर्ट की प्रक्रिया, जैसा कि मैं हर रोज़ बोलता हूँ कि कोर्ट की प्रक्रिया अपने हिसाब से चलेगी, आप अपनी तैयारी की प्रक्रिया को जारी रखें। ये भर्ती फिलहाल जो एविडेंसेस दिख रहे हैं मुझे रद्द होती हुई अभी नज़र नहीं आ रही है, हाँ जाँच के आदेश जैसे दिख रहे हैं। बाकी कोर्स सर्वोपरि है, लेकिन जो मेरी सूक्ष्म नॉलेज है उसके हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। हाँ, एक और चीज़ मैं आपको बताऊँ कि जो अशोक खरे सर का एक केस, जो केस उन्होंने सीधा सीधा मना किया ना, उसके पीछे भी देखिए काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। अभी एक एज रिलैक्सेशन को केस था, जिसमें एज रिलैक्सेशन के लिए केस था, जो अशोक खरे सर लड़ रहे थे, बट अनफॉर्चुनेटली वो हार गए। अब हारे क्या, मतलब सुप्रीम कोर्ट से सीधा, आपको पता है सुप्रीम कोर्ट से सीधा ही ऑर्डर आ गया था, तो डबल बेंच का वहीं ख़त्म हो गया केस। तो इस तरह की चीज़ें जो बहुत ही टॉप लेवल पर होते हैं ना, हो सकता है किसी दिन मैं भी इस ऐसे लेवल पे जाऊंगा कि जहाँ से मतलब हम भी सोचेंगे कि ये केस लेना है या ये केस नहीं लेना है। ठीक है, पर फिर भी मैं आप सबको निष्पक्ष और वही बातें बताता हूँ जो सत्य होती हैं, जो सही हो सकती हैं, जिनमें कोई तथ्य होता है, तथ्यहीनता मैं आपसे बताता नहीं। चलिए, ये आज का सेशन है। अगर आप सबकी कोई क्वेरी होगी तो आप कमेंट में कीजिएगा। बाकी आप सबका चयन हो जाए ऐसे ही कामना करता हूँ, और सब्सक्राइब करना हो तो ज़रूर कीजिए।